हेलो फ्रेंड्स, यदि आपके भी मन में सवाल उठ रहा है 12 के बाद क्या करें, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, यदि आपके मन में डाउट हो 12 के बाद क्या करें, सीए करें या सीएस करें, ठीक है, बीएससी करें या बीटेक करें, बीए करें या एलएलबी करें, तो इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। आप वीडियो के साथ बने रहें, अंत तक आपके पूरे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। यदि आपको इसमें सवाल है या कंफ्यूजन है कि मेरे पास 2 या 3 सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट में से मैं किस सब्जेक्ट को चूज करूं और किस पे मैं आगे बढ़ूं, किस पे मैं अपना करियर बनाऊं, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें, अंत तक आपके पूरे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखो अधिकांशतः यहाँ पे होता क्या है कि बच्चे 3 काम करते हैं। ठीक है, मोस्टली बच्चे 3 काम करते हैं। देखो यहाँ क्या होता है, स्टूडेंट्स 3 वर्क करते हैं। ठीक है, अब ये 3 काम क्या है? पहला काम, तो वो बच्चे जो अपने दोस्तों के साथ चलना चाहते हैं, देखते हैं कि मेरा दोस्त यह सब्जेक्ट से कोर्स कर रहा है, यह चूज किया है, तो मैं भी वही कर लेता हूं। ठीक है, तो पहले बच्चे तो ऐसे होंगे कि जो अपने फ्रेंड के साथ चलते हैं, उनको पता नहीं कि मैं इसमें आगे कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इंटरेस्ट है या नहीं है, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ चल पड़ते हैं। और दूसरे बच्चे वो होते हैं जो अपने पेरेंट्स के कहने पर चलते हैं कि मेरी मम्मी बोल रही है यह कर ले तो कर लेता हूँ, पापा बोल रहे हैं ये कर ले तो कर लेता हूँ। चलो पापा बोल रहे हैं कि डॉक्टर की पढ़ाई कर ले, अच्छा है, आपने 12th में क्या किया, पीसीबी से पढ़ाई कर लिया है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से कर लिया, चलो अच्छा है, नीट का तैयारी करो, ठीक है, डॉक्टर की पढ़ाई हो जाएगी। तो दूसरे बच्चे तो ऐसे होंगे। तीसरे बच्चे क्या होते हैं? तीसरे बच्चे वो होते हैं जो देखते हैं यार यहाँ पे अच्छा जॉब है, ठीक है, यहाँ पे अच्छा जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है, यहाँ पे सैलरी अच्छा देते हैं, इनकम अच्छा, यहाँ पे पर्सनालिटी अच्छी मिलेगी, यहाँ पे काम करना नहीं पड़ता, यहाँ पे केवल बैठे रहेंगे। तो इस तरीके के बच्चे होते हैं जो एक दूसरे को देखते हैं। तो आपको क्या करना है, यह तीनों ही काम बिल्कुल गलत है, ये तीनों ही काम आपको नहीं करनी है। तो ये तीनों काम नहीं करने, तो आपको करने क्या है? सबसे पहले आपको करना होगा कि अपना इंटरेस्ट देखना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आप क्या अच्छा कर सकते हैं, जिस काम को कोई और नहीं कर सकता उस काम को आप बेटर कैसे कर सकते हैं, उस काम पे आप चाहिए, यदि आप वहां पे जाते हैं तो सक्सेस आप जल्दी होंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हम देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको यह डाउट होगा कि सर मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं क्या करूं। तो सबसे पहले आपको अपने इंटरेस्ट पहचानने के लिए एक काम करना होगा। आप सोचो और देखो कि किस काम को करने में आपको बोरिंग फील नहीं होता, किस आपको बेटर तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है, जिस काम को करने में आपको अच्छा लगता है, बोरिंग फील नहीं करते, उसी पे आपका इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और जिनको समझ नहीं आ रहा है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है वह भी कमेंट करें, ठीक है। तो ये हुआ तो इंटरेस्ट की बात। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के इंटरेस्ट क्या होता है, किसी को टीचिंग कराना अच्छा लगता है, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ बच्चों की इंटरेस्ट होती है टीच, किसी का इंटरेस्ट होता है मेडिकल में, किसी का इंटरेस्ट होता है आपका एक्टिंग करना अच्छा लगता है, ठीक है, कुछ बच्चे डांसिंग में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे सिंगिंग में अच्छे होते हैं, कुछ बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजी में अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के होते हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट होता है, कुछ बच्चे इन सब फील्डों में अच्छे कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि कुक अच्छा कर सकते हैं, खाना अच्छा पका सकते हैं, तो सेफ का काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं देखूं अपनी बात करूं, देखो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, चाहे वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हो या फिर होम पे हो या फिर सेंटर पे हो या स्कूल कॉलेज में हो, तो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, जिस काम को करने के बाद बोरिंग फील नहीं होती। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इंटरेस्ट की बात में 2 बातें आती हैं। एक देखो, आप इंटरेस्ट वाले जॉब यदि काम करते हैं तो कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके इंटरेस्ट वाले में केवल 30,000 प्रति मंथ मिल रहा है सैलरी, लेकिन जो बिना इंटरेस्ट का आप लिए वहां पे हो सकता है 50,000 प्रति मंथ मिल रहा है आपको सैलरी। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है? आप इस काम को चूज तो कर लोगे, लेकिन जैसे आप ऑफिस से घर आओगे एकदम फ्रस्ट्रेटेड होगे, फ्रस्ट्रेटेड होगे, बच्चों पे चिल्लाओगे, फैमिली पे चिल्लाओगे और एकदम से बोरिंग फील होगे, आने के साथ आप बेड पे चले जाओगे, एकदम माइंड भारी भारी सा लगेगा, ऐसा लगेगा कि मैं इतना सारा काम करके आया, एकदम थकान से थक जाओगे, ना फैमिली को टाइम दे पाओगे, ना उनके साथ थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर पाओगे। लेकिन यदि आप यही काम करते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 30,000 वाली करते हैं, तो आप आने के साथ अपने फैमिली के साथ रहेंगे, उनके साथ बातें करेंगे, बैठेंगे, कहीं घूमने जाएंगे,
तो ये होगी आपकी 30,000 की। तो अपने इंटरेस्ट के साथ काम करो, वहां से क्या होगा आप जैसे ही काम से आओगे एकदम फ्रीली महसूस करोगे, बोरिंग नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत सारा काम करके आया हूं। ठीक, तो सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखो कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अब यहाँ पे एक बात आती है, सर मुझे समझ में नहीं आ रही कि मेरे इंटरेस्ट किधर है, और घर वाले बोल रहे हैं सब्जेक्ट करने के लिए। तो कुछ नहीं यार, आप इस टाइम में केवल कर लो ग्रेजुएशन कर लो, ठीक है, ग्रेजुएट हो जाओ किसी एक सब्जेक्ट से, ग्रेजुएट हो जाओ। अब यहां पे देखो, यदि आप साइंस वाले हो, साइंस वाले हो तो बीएससी कर लो, ठीक है। यदि आप यहीं पे कॉमर्स वाले हो तो यहां कॉमर्स वाले आप कर लो, बीकॉम कर लो। यदि आप यहीं पे आर्ट वाले हो तो आप बीए कर लो। बस इतना ही नहीं करना, लेकिन इसके साथ में आपको क्या करना है, 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स भी कर लेना है, ठीक है। आपको 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर लेना है। यहाँ पे आप कंप्यूटर फील्ड में देखेंगे, अदर फील्ड में देखेंगे, टेक्नोलॉजी में देखेंगे, बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप किसी एक 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर लो, इससे क्या होगा आपका मन बना रहेगा, आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, साथ ही आप डिप्लोमा कर लिए, इससे क्या होगा कि आप छोटे मोटे काम भी पा सकते हो, कहीं छोटे मोटे काम ले सकते हो। जब काम ले लोगे आप तो आपका मन उसमें अच्छे लगेंगे, आपका पॉकेट मनी भी आता रहेगा, तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। यदि इसके अलावा आप देखो, यहाँ यदि साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आर्ट के स्टूडेंट हो, तो आप तीनों के लिए नया वीडियो जल्द ही आने वाला है, जिसमें स्पेशल सब्जेक्ट दिखाऊंगा कि साइंस के अंदर कितने कोर्स होते हैं जो आप कर सकते हैं, कॉमर्स के अंदर ऐसे क्या कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं, आर्ट के अंदर ऐसे क्या कोर्स हैं वो कर सकते हैं। तो इन सभी वीडियो को देखने के लिए, अपने स्पेशल सब्जेक्ट को जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा, और अपने दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाएगा वीडियो आने के साथ ही, ठीक है। तो यह रही आज के लिए वीडियो, यदि यह वीडियो आपको जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।